ये छोटी छोटी मीठी मीठी किशमिश बड़ी फायदेमंद होती हैं। जो अंगूर होते हैं, अंगूर को सुखा के किशमिश बनाई जाती है, और इस छोटी छोटी मीठी मीठी किशमिश के अनगिनत फायदे होते हैं। जिस तरह मोटापा हमारे लिए हानिकारक होता है, देखने में अच्छा नहीं लगता, उसी तरह दुबला पतला शरीर भी देखने में अच्छा नहीं लगता। कमजोरी महसूस होती है, दुर्बलता महसूस होती है, कॉन्फिडेंस कम होने लगता है। आज मैं आपके लिए ऐसा नुस्खा शेयर करने वाली हूँ दोस्तों, जो आपके दुबले पतले शरीर को सॉलिड बनाएगा, स्ट्रॉन्ग बनाएगा, और अगर आपका वजन कम है तो आपका वजन भी बढ़ाएगा। कुछ ही दिनों में आपका शरीर सुंदर और सुडोल बन जाएगा। आप हष्ट पुष्ट तंदुरुस्त हो जाओगे, शरीर से कमजोरी दूर हो जाएगी, देखने में आप अच्छे लगोगे और आपको अंदर से खुशी महसूस होगी। तो फिर चलिए इसे शुरू करते हैं। ये देखिए दोस्तों, ये ली है मैंने किशमिश। ये छोटी छोटी मीठी मीठी किशमिश बड़ी फायदेमंद होती हैं। जो अंगूर होते हैं, अंगूर को सुखा के किशमिश बनाई जाती हैं, और इस छोटी छोटी मीठी मीठी किशमिश के अनगिनत फायदे होते हैं। किशमिश में कैल्शियम, आयरन, पोटेशियम और विटामिन बी कॉम्प्लेक्स पाया जाता है। इसके साथ ही इसमें ग्लूकोज, कार्बोहाइड्रेट, मैग्नीशियम और प्रोटीन भी पाया जाता है। ये हमारे शरीर के लिए बहुत फायदेमंद होती है, शरीर में खून की कमी को पूरा करती है। अगर कोई इंसान हर रोज़ 15-20 किशमिश खाता है तो उसके शरीर में कभी भी खून की कमी नहीं होती। और आजकल हमारे देश में 70-80% बच्चे एनीमिया के शिकार हैं, जिनमें खून की कमी है। तो बड़ों के साथ साथ बच्चों को भी ये किशमिश जरूर खिलानी चाहिए। किशमिश हमारी आँखों की रोशनी बढ़ाती हैं, और किशमिश फाइबर से भरपूर होती हैं, इसलिए जिन लोगों में कब्ज की, कॉन्स्टिपेशन की समस्या है, उसको भी ये दूर कर देती हैं। डाइजेशन सिस्टम को इम्प्रूव करती हैं। जो हम खाते पीते हैं उसको ये डाइजेस्ट करने में, हजम करने में हेल्प करती हैं, जिसके कारण हमारे शरीर में खून की कमी पूरी हो जाती है। आपने क्या करना है दोस्तों, आधी मुट्ठी किशमिश रात को सोते टाइम भिगो देनी है। आपने 15-20 किशमिश ही खानी है, लेकिन घर में और मेंबर भी होते हैं। अगर आप 15-20 किशमिश ही भिगोगे तो फिर आपको शेयर करनी पड़ेगी, और आपके हिस्से में 2-3 किशमिश ही आएंगी। इसलिए आप थोड़ी ज़्यादा किशमिश भिगो लेना, ताकि आपको 15-20 मिल जाएं। किशमिश को आपने पहले धो लेना है, क्योंकि जब किशमिश बनाते हैं सुखा के तो इसमें डस्ट लग जाता है। और ये देखिए, इस तरह रगड़ के धो लीजिए। ये पानी आप देख रहे हैं ना, थोड़ा गंदा पानी हो गया है। इस पानी को आप निकाल दीजिए और इसमें दोबारा से साफ पानी डाल दीजिए, और रात भर आप इसको ढक के रख दीजिए। जब आप सुबह देखेंगे तो ये आपको इस तरह की दिखाई देंगी, फूल जाएंगी, और इनका साइज लगभग डबल हो जाता है। ये देखिए, ये मैंने अभी भिगोई थी, इनको हटा देते हैं। और ये किशमिश आपने लेनी है, सुबह आपने क्या करना है, 15-20 किशमिश लेनी है ये भीगी हुई, और इनको चबा चबा के खा लेना है। और ये जो किशमिश का पानी है, इस पानी को भी आप पी लीजिए। इस पानी को आप बच्चों को भी पिला सकते हैं, क्योंकि इसमें भी बहुत सारे पोषक तत्व होते हैं। और ऊपर से आप चाहें तो एक गिलास गर्म दूध पी लीजिए, फिर तो बिल्कुल सोने पे सुहागा है। लेकिन कुछ दिन ये आपने लगातार खानी है दोस्तों, ऐसे नहीं एक दो दिन खाया और छोड़ दी, कम से कम 10-20 दिन जरूर खाना। और अगर आप किशमिश भिगोनी भूल जाते हो तो भी कोई टेंशन की बात नहीं है, मैं अभी आपको दूसरा तरीका बताऊंगी। एक पैन ले लेते हैं और इसमें डाल लेते हैं एक गिलास दूध। ये जो दूध होता है दोस्तों, ये अपने आप में ही संपूर्ण आहार माना जाता है। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं ना, दिन में 3-4 बार दूध पी लेते हैं और खाना नहीं खाते, फिर भी स्वस्थ रहते हैं। आपने दूध को पहले गर्म कर लेना है, अभी इसमें किशमिश नहीं डालनी है। अभी किशमिश डालेंगे तो दूध हमारा फट सकता है, क्योंकि किशमिश में विटामिन सी पाया जाता है, खट्टेपन के कारण दूध फट सकता है। तो दूध को आप पहले उबलने दीजिए, उसके बाद हम इसमें किशमिश डालेंगे। और ये देखिए, दूध में उबाल आ गया है, और ये मैंने 15-20 किशमिश ली हैं। किशमिश को मैंने धो लिया है, और ये एक इंसान के हिसाब से ली हैं, एक गिलास के हिसाब से ये किशमिश इसमें डाल देते हैं, और इसमें 3-4 उबाल आने देते हैं। 2-3 मिनट इसको अच्छे से पका लेते हैं, क्योंकि किशमिश हमने भिगोई नहीं है ना, तो ये किशमिश इसमें उबल के फूल जाएंगी, थोड़ी मोटी हो जाएंगी। और दूध में 3-4 उबाल आ गए हैं, थोड़ी देर मैंने इसको पका लिया है, तो अब गैस को ऑफ कर देते हैं। ये देखिए, किशमिश भी थोड़ी पहले से मोटी हो गई हैं, तो अब गैस को ऑफ कर देते हैं।
और इसको हम दूध वाले गिलास में ही डाल लेते हैं। ये किशमिश पतीले में बच गई हैं, इनको भी डाल देते हैं। अगर आप दूध को मीठा करना चाहते हो दोस्तों, तो आप इसमें थोड़ी मिश्री कूट के डाल सकते हैं या फिर एक चम्मच खांड डाल सकते हैं। लेकिन ये जो हमने किशमिश डाली है ये भी मीठी है, और 15-20 मीठी किशमिश खाने के बाद फिर आपको मीठा दूध पीने का मन नहीं करेगा, इसलिए मैं यहाँ कुछ नहीं डाल रही। तो ये दूध बनके अब तैयार हो गया है दोस्तों। आपने सुबह सुबह इस तरह का दूध बना लेना है और ये किशमिश निकाल के चबा चबा के खा लीजिए और ऊपर से गरम गरम ये दूध पी लीजिए। कुछ दिन आप इस नुस्खे को अपनाइए, कुछ ही दिन में आप देखेंगे शरीर में एनर्जी महसूस होगी, कमजोरी थकान दूर हो जाएगी और शरीर आपका सुंदर सुडोल बनना शुरू हो जाएगा। आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, अंदर से आपको खुशी महसूस होने लगेगी। आज की जानकारी इतनी थी दोस्तों। अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। जल्दी मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू।